सोशल मीडिया पर पिछले 3 दिनों से अमूल्या लियोना चर्चा में है। कर्नाटक के चिकमंगलूर की रहने वाली अमूल्या ने संविधान बचाओ के बैनर तले आयोजित एक कार्यक्रम में 3 बार पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। इस कार्यक्रम में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी मौजूद थे। सोशल मीडिया में अमूल्या के भाषण का वीडियो वायरल होने के बाद उसे राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने अमूल्या को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इस वीडियो में हम आपको अमूल्या के बारे में और जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव 19 साल की अमूल्या लियोना बेंगलुरु के एक कॉलेज से पत्रकारिता की पढ़ाई कर रही हैं। ऑनर्स की छात्रा चिकमंगलूर जिले के कोप्पा गांव की रहने वाली हैं। नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के खिलाफ बेंगलुरु में हो रहे प्रदर्शनों में अमूल्या लगातार हिस्सा ले रही हैं। फेसबुक पर अमूल्या को 6,000 से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। उन्होंने सेंट नॉर्बर्ट CBSE स्कूल, क्राइस्ट स्कूल मणिपाल और सेंट जोसेफ स्कूल कोप्पा से भी पढ़ाई की है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के अनुसार अमूल्या ने 16 फरवरी को फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा था। उसके दोस्तों का दावा है कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुई रैली का वही सही भाषण है। फेसबुक पर 16 फरवरी की एक पोस्ट जो अमूल्या की बताई जाती है, उसमें कई पड़ोसी देशों के लिए जिंदाबाद लिखा गया है। अमूल्या उस समय भी चर्चा में आई थी जब जनवरी में मंगलुरु एयरपोर्ट पर पोस्टकार्ड न्यूज के को फाउंडर महेश विक्रम हेगड़े को कुछ महिला एक्टिविस्ट ने वंदे मातरम गाने की मांग की थी। उस ग्रुप में अमूल्या लियोना भी थी। वो कांग्रेस प्रवक्ता कविता रेड्डी और दूसरे कार्यकर्ताओं के साथ वहां मौजूद थी। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। अमूल्या लियोन को राजद्रोह के आरोप में 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि फेसबुक पर युवती के पोस्ट समेत सभी कोणों से जांच की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि उसके पीछे कौन सा संगठन है। वहीं बेंगलोर शहर पुलिस आयुक्त भास्कर राव ने कहा कि कहीं कोई बयान देना अलग बात है, लेकिन किसी को समारोह के मंच पर बुलाना और विभाजनकारी बयान दिलवाना क्या यह सही है। उन्होंने कहा कि आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसे समारोह में लोगों को बुलाने वालों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उनका इस तरह की घटनाओं में शामिल नहीं होने का नाटक स्वीकार्य नहीं है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदुरप्पा ने शुक्रवार को कहा कि CAA के विरोध में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वाली युवती का संबंध पूर्व में नक्सलियों से रह चुका है। मुख्यमंत्री BS येदुरप्पा ने कहा कि लड़की के पिता ने खुद कहा है कि उसे सजा मिलनी चाहिए और जमानत नहीं मिलनी चाहिए। अमूल्या के पिता वाजी ने अपनी बेटी पर कानून के अनुसार कार्रवाई की मांग की है। वाजी ने कहा कि वह कुशाग्र लड़की है, मैंने उसे इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त नहीं रहने के लिए समझाने की कोशिश की और पहले पढ़ाई पूरी करने को कहा। मुझे पता चला था कि वह CAA NRC के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों में शामिल हो रही थी। वहीं सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कुछ लोग वाजी से उनकी बेटी के बारे में पूछ रहे हैं और भारत माता की जय के नारे लगाने के लिए कह रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसी ही खबरों के ताजा तरीन वीडियो और एक्सप्लेनर्स देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए।